बिस्मिल्लाह रहमान भाई। अच्छा जी, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जिस तरीके से तारीखी तरीके से बढ़ी थी, उसी आज तारीखी तरीके से नीचे भी आई और स्टॉक एक्सचेंज सिर्फ आज के दिन 2550 पॉइंट गिरा, जो पाकिस्तान की 76 साल की तारीख में एक दिन में इतने ज्यादा पॉइंट्स गिरा। हालांकि परसेंटेज वाइज अगर देखा जाए तो इससे ज्यादा स्टॉक एक्सचेंज गिरी है, लेकिन ये कि स्टॉक एक्सचेंज काफी अच्छी खासी धुलाई हो गई है। 13 दिसंबर के बाद स्टॉक एक्सचेंज मुसलसल जो है 21% बढ़ी थी और हमने देखा 21,000 पॉइंट बढ़ी थी सितंबर से लेकर 13 दिसंबर तक। अब जो है 13 दिसंबर से लेकर आज तक जो है तकरीबन 7,800 पॉइंट मार्केट गिर चुकी है, जो 12% बनता है। कहने को तो ये 12% है, लेकिन ये अच्छी खासी धुलाई हुई है स्टॉक मार्केट में और लोगों का कहना है कि बाद शेयर जो है 30-35% भी गिरे हैं। अब उसके पीछे एक क्या वजूहात हैं, इसको हम एक मिनट के लिए डिस्कस करते हैं थोड़ी देर में, एक मिनट में। लेकिन अभी जो 2550 पॉइंट आज गिरी है मार्केट, इससे पहले जो है एक दफा 16 मार्च 2020 को 2376 पॉइंट गिरी थी। तो आपको याद होगा ये 16 मार्च 2020 का दिन मुझे अच्छी तरह याद है। पाकिस्तान में पहला कोविड के मरीज की तशखीस हुई थी और बताया गया था कि पाकिस्तान में भी कोरोना आ गया, और उस दिन जो है स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा मंदी हुई थी। तो आज जो है 2550 पॉइंट उस दिन से भी ज्यादा गिर चुकी है। दिसंबर के महीने में एक और दफा 19 दिसंबर को 2372 पॉइंट भी गिरी है। तो मजमूई तौर पे 7800 पॉइंट जो है पिछले दो हफ्तों में गिरी है। ट्रेडिंग सेशन मेरे ख्याल से बमुश्किल 9 होंगे, 9 दिनों में इतनी मार्केट गिरी और 12% के करीब गिरी है। और जैसे मैंने अभी कहा कि 12% कहा तो जा रहा है, लेकिन 12% से ज्यादा इम्पैक्ट है। और आज की रिपोर्ट ये थी कि जो कॉन्फिडेंस आसमान पे जा रहा था मार्केट में लोगों का, उससे तेजी से तनजुली से जो है उनका कॉन्फिडेंस नीचे गिरा है। हमारे जो स्टॉक मार्केट के लोग हैं वो अलग अलग रीजंस बता रहे हैं, पहले मैं उनको आपके सामने रखता हूं और फिर उस पर बात करते हैं एक एक करके। एक रीजन ये कहा जा रहा है कि अभी क्योंकि इलेक्शंस की नॉमिनेशन का पीरियड था, तो इलेक्शन की नॉमिनेशन में पिछले 2-3 दिनों में बहुत ज्यादा शोर शराबा हुआ और खसूसी तौर पर पंजाब में जो है ये कहा गया कि जी इलेक्शंस जो है में जो है एक पार्टी को जो है फाइलिंग नहीं करने दी जा रही, तो मुतनाजा हो सकते हैं और अगर मुतनाजा इलेक्शन हुए तो वो कहीं कबूल नहीं होंगे, तो उससे सियासी गैर यकीनी सूरत हाल बढ़ जाएगी। तो एक जो है वजह ये बताई गई। दूसरी ये बताई गई कि जैसे जैसे स्टॉक मार्केट बढ़ती है तो सरमायाकारी के साथ साथ लोग जो है कर्ज लेके भी सरमायाकारी करते हैं, जिसे लेवरेज कहते हैं, वो जो है काफी तेजी से बढ़ गया। वो 40 अरब रुपये क्रॉस कर गया था और 30% शरह सूद भर रहे थे लोग, उन्होंने जो कर्ज लिया उस पर। तो वो एक वजह ये बताई गई। फिर एक वजह बताई गई कि महंगाई जो है मुल्क में कम होने का नाम नहीं ले रही। इस हफ्ते भी 42% महंगाई रही और जो है मुसलसल जो है महंगाई बढ़ रही है। जब गैस की कीमतें बढ़ी उसके बाद से काफी चीजें चेंज हुई है, हालांकि पेट्रोल की कीमतों में अभी गिरावट भी आई, फिर भी जो है महंगाई कम नहीं हुई। जो हफ्तावार महंगाई आती है 42% है, तो लोग कह रहे हैं कि दिसंबर के महीने में महंगाई जो है 30% क्रॉस कर जाएगी। तो अगर ये 30% क्रॉस कर जाती है तो जनवरी में जो स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग होगी उसमें लोग खदशात जाहिर कर रहे हैं कि क्या पता शरह सूद नीचे ना आ जाए। आपको याद होगा 14 दिसंबर को स्टेट बैंक ने जो है शरह सूद की पॉलिसी का भी ऐलान किया था और उसमें जो है कोई तब्दीली नहीं की थी। मार्केट ने हालांकि अपनी तरफ से काफी हद तक 2-3% शरह सूद नीचे ले आई है, जो सेकेंडरी मार्केट में ट्रेडिंग होती है। तो ये जो है एक प्रॉब्लम ये था। तो अब ये है कि जो शरह सूद जो जनवरी में गिरना है नहीं गिर रहा, तो लोगों के जहन में ये आज के दिन खास तौर पे जो 2500 पॉइंट गिरी उसमें एक चीज और भी थी कि इलेक्शन सिंबल जो है इमरान खान का पार्टी का पीटीआई का ले लिया गया था। और अब यही हो रही थी बात कि अगर इलेक्शन सिंबल ले लिया जाता है तो और नहीं मिलता तो इलेक्शंस की क्या क्रेडिबिलिटी होगी। तो उस पर आज जो है पीटीआई वाले जो है पिशावर हाईकोर्ट भी गए थे, फैसला उनके हक में आ गया और बल्ला बहाल हो गया। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो 3:30 बजे के बाद हुआ। तो उसमें एक आदमी देख रहा था
हमारे जो है ये साफी हैं किसी मतलब ग्रुप में काम करते हैं, तो वो बेचारा ये कह रहा था कि कल स्टॉक मार्केट और गिरेगी क्योंकि बल्ला बहाल हो गया। तो ये सबसे पहले तो मैं चंद दोस्तों को ये बोलूंगा कि जिनका काम है ना उनको करने दें, आप लोगों को अपने सियासी एजेंडा चलाने की जरूरत नहीं है और जो है ऐसी कोई मेरे ख्याल से चीज नहीं है, बल्कि मैं समझता हूँ शायद ये अप्रिशिएट हो जाए। तो कुछ लोग ऐसे ही जो है ना एक इलेक्शन के बोगस में जो है लगे हुए कि इलेक्शन की तारीख ऐलान होने से जो है स्टॉक एक्सचेंज प्रेशर में आ गई, मुल्क में इलेक्शन होंगे, तो कुछ लोग इस तरह की बातें कि जी बल्ला बहाल होने से जो है कल स्टॉक मार्केट गिरेगी। कमाल है इनकी सहाफत को। और कुछ लोग हैं वो उनके ख्याल में कि ये मसनूई तौर पर मार्केट गिरी थी, हालांकि इस पर एक बहस हो सकती है कि मार्केट जो है मसनूई तौर पर नहीं गिरी, मार्केट तो 66,000 पॉइंट में भी सस्ती थी। तो बहरहाल वो उन्होंने कुछ दिन पहले लिखा था मसनूई बड़ी है, तो वो आज जरा सा बाचे खिली हुई थी उनकी, तो ये भी बोल रहे थे। तो एक खबर फिर आज और चली और बड़ी अहम चली कि जो गर्दिशी कर्जे थे, हुकूमत का एक प्लान सामने आ रहा था कि वो एडजस्टमेंट करके जो अपने गर्दिशी कर्जे पूरे कर लेगी। आईएमएफ की तवस्सुल से खबर आई कि आईएमएफ कह रहा है आप एडजस्टमेंट नहीं कर सकते, आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, पहले पेमेंट करेंगे तो वो हम समझेंगे कि आपने जो है ट्रांजेक्शन की है और जो है गर्दिशी कर्जे के लिए की है। पहले ये हुकूमत का इरादा था कि वो बुक एंट्री कर देगी, क्योंकि हुकूमत ने ही हुकूमत को देना था, तो हुकूमत सोच रही थी बजाय हम पैसे को घुमाएं वो बुक एंट्री कर लेंगे। तो उससे जो है जिन्होंने ऑयल एंड गैस सेक्टर में सरमायाकारी की है और वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आने वाले दिनों में बड़े डिविडेंड्स आएंगे हुकूमत की तरफ से तो इन कंपनियों के, तो उनके जहन में आज वो शक व शुबा हुआ, जिसकी वजह से ऑयल सेक्टर भी प्रेशर में रहा और नीचे आई। फिर एक चीज और हो रही थी जो फवाद हसन फवाद को बुलाया था वो प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर के लिए, अब इलेक्शन कमीशन ने जो है केयर टेकर हुकूमत को लिख दिया है, बड़ी देर बाद लिखा है, मुझे समझ नहीं आया, ये इनको पहले दिन ही वजात कर देनी चाहिए थी ताकि इलेक्शन अक्टूबर नवंबर में हो जाते, कि आप जो है मुदाखलत ना करें और ये जो प्राइवेटाइजेशन के जो आप काम कर रहे हैं ये अगली हुकूमत के लिए छोड़ दें जो इलेक्शन जीत कर आए, ये जो है उनका काम है, आपका काम नहीं। फिर एक और चीज ये थी कि हमने पहले भी इस पर बात की थी कि फॉल्स एक्सपेक्टेशन ना क्रिएट करें। वो हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर थे उन्होंने कहा $100 अरब की एक्सपोर्ट हो जाएंगी, अखबारें ही लिख रही हैं कि टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट गिर गई है। आईटी मिनिस्टर ने भी पहले $100 अरब पे $10 अरब, उसमें भी कोई प्रॉब्लम, पाकिस्तान में इंटरनेट बंद कर दिया जाता है। इसी तरीके से फिर हमारे वो जो केयर टेकर वजीर आजम है काकड़ साहब, वो दुबई जा रहे थे, कह रहे थे मैं बहुत बड़े मुआहदे करके आ रहा हूं और बहुत बड़ी खबर आने वाली है। जब आप इस तरह की उम्मीदें बना देते हैं ना तो मार्केट फिर अगर वो नहीं हो तो मार्केट उस पर नेगेटिवली रिएक्ट करती है, और अगर आप इस तरह की उम्मीद ना बनाए तो जब फिर मार्केट को रिएक्ट करने के लिए कम अज कम ये पॉइंट पे मौका नहीं मिलता। अब लोग सवालात कर रहे हैं कि दिसंबर एंड भी हो गया है कि क्या पाकिस्तान की जो अगली अदायगी है उसके लिए कोई पेमेंट आ रही है, कोई ट्रांजेक्शन हो रही है, नहीं हो रही, तो एक सवाल है। अच्छी चीज यह कि रुपया मुस्तहकम है और जो है रुपए में अभी तक कोई गड़बड़ नहीं हुई। तो लबे लबाब यह है कि स्टॉक मार्केट जो है 60,000 से नीचे आ गई है, 59,150 है या 70 है, करना क्या चाहिए, ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। मैंने आपको अगर मेरी चंद एक वीडियोस लास्ट देखी हूं तो उसमें मैंने आपको यही बताया था कि ये जो लेवल्स हैं 66,000 65,000 अगर आपने एंट्री नहीं ली तो आप अवॉइड करें, और अगर आपको बहुत शौक हो रहा है तो आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू लें। तो वो बात जो है तकरीबन सही हो गई। अब ये जो तेजी से जितनी तेजी से 12% मार्केट गिरी है, मेरा अपना ख्याल ये है कि ऐसी कोई नेगेटिव बड़ी न्यूज भी नहीं आई जिसकी बेसिस पे ये मार्केट को इस तरह गिरना चाहिए था। बहरहाल मार्केट है क्योंकि बड़ी बहुत ज्यादा थी तो वो रिएक्ट भी कर सकती है, और फिर ये जो खबरें हमने बताई इनका थोड़ा थोड़ा रोल है कि कर्ज बहुत ज्यादा ले लिया फला फला फला। मुझे लगता है कि मार्केट में स्टेबिलिटी जो है आ जाएगी और 2024 ऑन द होल जो है स्टॉक मार्केट के लिए एक बेहतर साल होगा। जैसे ही इलेक्शंस होंगे, इलेक्शन के बाद एक मुस्तहकम अगर हुकूमत आ जाती है तो और अच्छी हो जाएगी चीजें, और नई हुकूमत आके फैसले करने लग जाएगी, और जिन खबरों का हमें इंतजार है
जो पहले भी हम समझते थे कि केयर टेकर हुकूमत में मुश्किल होगा करना, जैसे ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाना, प्राइवेटाइजेशन करना, फिर जो है सर्कुलर डेट की सारी चीजें, ये एक मुंतखब हुकूमत के लिए आसान होता है क्योंकि वो कानून साजी का सहारा भी ले लेती है। तो जिन्होंने लेट एंट्री ली है वो थोड़ा सा परेशान हो रहे होंगे, और जिनके नीचे से ही एंट्री है लेकिन उन्होंने बेचा नहीं है तो उनके नफे में नुकसान है। तो दोनों के लिए मैसेज ये है कि काम डाउन, चीजें जो हैं पूरी नहीं है, चीजें अपनी जगह पे आ जाएंगी, मार्केट का हुसन है, जाती भी ऊपर इसी तरह आती भी इसी तरह, लेकिन आपकी स्टॉक सिलेक्शन अच्छी होनी चाहिए। अगर आपने स्टॉक अच्छे लिए तो मार्केट अगर 12% गिरी है तो आप 5-6% गिरोगे, और अगर आपने स्टॉक जो है सट्टेबाजी वाले लिए हैं जिनका कोई सर पैर नहीं था, पंपिंग डंपिंग वाले लिए, वो 30-30% भी गिरे हैं, और अगर आप समझते हैं कि नहीं ये स्टॉक मार्केट में जो है मैं हमारे बस की बात नहीं है, तो मैंने पहले भी कहा था कि इसको आप म्यूचुअल फंड के थ्रू करें, वो प्रोफेशनल है, तो आपको खुद ब खुद जो है वो चीजें मैनेज होती रहेंगी। ओवरऑल जो है मैं समझता हूं कि हमें ऐसा नेगेटिव भी होने की जरूरत नहीं है। ये 8 दिनों में इस तरह हुई है, 3 महीनों में बहुत बढ़ी हुई थी, तो चीजों पर नीचे होती रहती है, और एज सच कोई इतनी बड़ी नेगेटिव न्यूज नहीं है जिस पे जो है घबराया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।